गया एक शिट। अब हम लोग यहाँ से चले होटल, जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर। चलो अब मेन टास्क है कि यहाँ से गाड़ी निकालना। चल 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 सुल्तान, चल चल सुल्तान, चल गब्बर चला गया, सुल्तान क्यों नहीं जाएगा, चल सुल्तान, चल चल चल। गब्बर तो चला गया वहां पे, चल सुल्तान भी आ गया। ओ एंड साला लास्ट में झटका दे रहा है ये। चलो वो लूज ही रहता है, हाँ वैसे ही है दोनों तरफ, नहीं एक तरफ नहीं है, वो शायद वायर के लिए वैसा ही है वो। सर बंगलो टूरिस्ट होम, यही मैप में डाला। चलो तो यहाँ से जो होटल है वो 24 किलोमीटर दिखा रहा है, 48 मिनट्स, और अभी टाइम हो रहा है मतलब 8:40, तो और 50 मिनट, सॉरी 6:40, तो 7:40, 7:30 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे होटल में। तो अभी यहाँ से मैप डाल दिया हुआ है, जो कि होम स्टे है, निसर्गो होम स्टे नंदगांव में। और अब हमको हेलमेट नीचे, वाइज़र नीचे करके चलाना पड़ेगा, बिकॉज कीड़े मकोड़े बहुत आने वाले हैं रास्ते में। और भाई साहब यहाँ से वो रेवडंडा वाला जो ब्रिज है वो कितना दूर है? चलो तो यहाँ से जो ब्रिज है, जिधर एक तरफ नदी है और एक तरफ समुंदर, वो बस 3 किलोमीटर है। तो वो एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि दिन दिन थोड़ा सा उजाले में कैप्चर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। 3 किलोमीटर हार्डली 6 मिनट लगेगा, 6 मिनट तक अगर अंधेरा ना रहे तो वी विल बी लकी। ये यहाँ पे सीधा जाना, हमको जाना है सीधा। अभी ये रिवर्स ना ले ले साला। जय गणपति बप्पा, जय भोलेनाथ। वाह वाह मैन, ये तो अलग ही लेवल का लग रहा है यार। ये राइट साइड में ये पूरा समुंदर है, ये पूरा समुंदर, और ये लेफ्ट साइड में नदी, और ये ब्रिज जो है इसका नाम है कुंडलिका रिवर ब्रिज। कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये लाइट वगैरह, तो मतलब ये पोर्ट JSW का फैक्ट्री है समुंदर में। हाँ वही JSW वाला, तो वो तो फैक्ट्री, वो पता है मुझे, वो वाला तो पता है। हाँ वो सामने उधर उधर, अच्छा उधर, लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ये क्या अपने ऊपर से ब्रिज जा रहा है ना उनका कॉन्वे, अंदर से उनका रेल जाता होगा। JSW स्टील लिमिटेड, साला ये तो यहाँ से लेके वहाँ तक इसका कनेक्शन है, क्या बात है, कितना बड़ा फैक्ट्री है यार। अरे यार कुत्ता गया एक, शिट अंकल हटा रहे पुलिस वाले अंकल। अब भी गया फ्रेशली, वो क्या फेंक रहा, बच्चा है ना छोटा पप्पी। चलो जाने दो बेचारा, क्या बात है। दिल्ली डेयरडेविल के स्पॉन्सर यही है ना JSW। हा, पूरा घना जंगल, सामने से लाइट्स, और हमारा जो होम स्टे है वो है और 9.2 किलोमीटर, जो कि दिखा रहा है 19 मिनट्स, नंदगांव 18 किलोमीटर। हाँ तो टाइम हो गया अभी 7:10, और अंधेरा मतलब रात हो गया पूरा,
सनसेट तो हम लोग रेवदंडा बीच पे ही देख चुके हैं। अरे जा भाई जा, आगे जा, देखो मैं लाइट मारता है ऐसे। सो व्हाट यू आर सीइंग इज, ये है काशिद बीच, लेकिन अभी रात को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा और बीच पे जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं है बिकॉज वी वॉन्ट बी गेटिंग एनीथिंग टू सी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सुबह सुबह जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बट कल सुबह करने वाले हम काशिद भी, बिकॉज बार बार इस तरफ आएंगे नहीं। अभी एक बार जो नीचे वाला है पोर्शन वो कम करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोग वहाँ जाएंगे बट यहाँ पे हम लोग वापस आने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए जितना हो सके उतना कंप्लीट करके ही जाएंगे। हाँ, सिर्फ यही होगा, होटल से वापस हमको आना पड़ेगा। यही है ना, निसर्ग बंगला टूरिस्ट होम। तो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू स्टे। निसर्ग बंगलो, निसर्ग निसर्ग, धन्यवाद। इधर दिखा रहा है, ओ इधर बताया। हाँ चलो, निसर्ग बंगलो फाइनली। सबसे अच्छी बात क्या है, गाड़ी को टलाओ, सेफ है गाड़ी, मस्त है। सबसे पहले सामान वामान लो, अनलोड करते हो। अभी तक जो किलोमीटर हमने कंप्लीट किया है वो 200 सुबह से 221.3 किलोमीटर, 221 किलोमीटर, नॉट बैड। सो दिस इज द प्रॉपर्टी विच वी आर स्टेइंग। यहाँ पे हमारा गाड़ी पार्क है और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर, ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे आप आराम से बैठ के डाइनिंग वगैरह कर सकते हो। एंड ये एक मस्त छोटा सा झूला जहाँ पे मैं अभी बैठने वाला हूँ आराम से। और ये है रूम, तो हम लोग दो लोग हैं तो वी हैव टेकन अ डबल बेड, टीवी है, अच्छा एसी वगैरह है। एंड यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, एक छोटा सा टेबल, और ये है वॉशरूम जो कि काफ़ी बड़ा है, और वॉशरूम में जकूजी भी है, टॉयलेट बेसिन काफ़ी बड़ा है, गीजर। हमारा जो रूम है वो रूम हमने चेंज करवाया बिकॉज हमने जो बुक किया था वो ये वाला रूम था, डबल ऐसे टाइप के बेड वाले, और वो वाला जो था वो सिंगल बेड था। ये थोड़ा सा फ्रेश भी लग रहा है और अच्छा है। और ये डाइनिंग एरिया, यहाँ पे हमारे कपड़े वपड़े सूख रहे हैं और ये हम खाएंगे होम स्टे में खाना। ये भाई साहब आज रात का डिनर, सुरमई किधर है? ये सुरमई की क्या है, ये सुरमई तो इतना ऐसा नहीं होता। ये सोलकड़ी हमने और मंगवाया है, राइस और मंगवाया है क्योंकि रात को दबा के खाना चाहिए। और इसमें क्या क्या है, ये प्रॉन्स फ्राई है न? ये प्रॉन्स फ्राई, ये क्या है? ये करी है। करी क्या है ये? फिश, अच्छा फिश करी, ये भी फिश, ये सुरमई, ये चावल। ये कैसा है ना, यहाँ का कड़ी का बेस रहता है। हाँ। इधर फिश या फिर प्रॉन्स। हाँ। या फिर स्क्विड। ओके। कोंकण में वेज बोल के तरकारी या फिर वेज बोल के ऐसा कुछ होता नहीं है। इफ यू आर टेकिंग नॉन वेज तो नॉन वेज का ही आएगा, उसमें कुछ ना कुछ जो वेज डाल के दे देंगे अगर वेज चाहिए। पीस बन गया राइट। हाँ। पीस का भी बचा कुचा कुछ तो भी होता है, सर होता है, टेल होता है, तो इसमें डाल। अच्छा, तो ये चावल वाला रोटी, भाकरी, सुरमई, और ये भी फिश करी, और ये मेरा फेवरेट सोल कड़ी, प्रॉन्स फ्राई, और यहाँ पे पापड़ और चावल। तो सोल कड़ी हमने और मंगवाया और शायद माइट भी सुरमई भी और मंगवाएंगे आई गेस। सोल कड़ी सुरमई कल आएगा, मोदक, मोदक कल, मोदक भी है। हाँ, तो अभी इनको कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं।
अभी मैं पीऊंगा सोल कड़ी। वो खाने पीने का वीडियो बनाते रहते हेलो फैमिली आज खाएंगे ये भाई कितना खाता वो इंसान। अरे बहुत पुणे में आया था ना तो ये सोल कड़ी मैं ट्राई करता हूँ। पुणे का ही है क्या? मुंबई का लेग पीस। उसने अपना टैटू बनवाया हाथ में लेग पीस का। मस्त सोल कड़ी बहुत टेस्टी है। कीम में जो पिए थे ना उससे बहुत अच्छा है। और अभी लेट मी ट्राई दिस। ये फ्रेश है। मस्त है ना? फ्रेश। सुरमे भी ऑसम है। प्रॉन्स सब भी खाया। ये A1। अभी थोड़ा सा ग्रेवी वाला जो सब्जी है ये है क्या? इसको खाकर ऐसा लग रहा है कि अंकल चिप्स को फ्राई कर दिया। खत्म करते हैं उसके बाद सोते हैं अब। गुड नाइट।